घाघरा थाना क्षेत्र के बुरहु ग्राम में भालू के हमले से गोपाल गोप उम्र 60 वर्ष रविवार की सुबह जख्मी हो गया है। इस संबंध में जख्मी गोपाल गोप के परिजनों ने बताया कि गोपाल गोप सुबह उठकर अपने घर के बाहर नहर पीड़ पर खड़े थे। इसी बीच बगल की झाड़ी से निकलकर जंगली भालू ने गोपाल गोप के पैर को दबोचते हुए जख्मी कर दिया। घायल गोपाल गोप को परिजनों द्वारा चिकित्सा के लिए गुमला सदर अस्पताल ले जाया गया, जहाँ इलाज के उपरांत उन्हें घर भेज दिया गया। घटना के संबंध में ग्रामीण परिजनों ने बताया कि रविवार की सुबह जंगली भालू घाघरा का कशपारा पक्की सड़क के किनारे खेतों में घूमते हुए बरहु गांव की ओर आ रहा था। इसी बीच गेहूं की कटाई के लिए अपने खेत जा रहे ग्रामीणों द्वारा भालू को देखकर शोरगुल मचाया गया, जिससे भालू सड़क किनारे स्थित एक बांस की झाड़ी में छुप गया। गाँव में भालू आने की सूचना ग्रामीणों द्वारा वन विभाग को दी गई, जिसके बाद वन विभाग के 5 सदस्यीय टीम फॉरेस्टर शेखर सिंह, गार्ड समील राम, विजेंद्र राव अस्फाक व रोबिन प्रभात लकड़ा गांव पहुंचकर भालू पकड़ने की योजना बनाई। तभी जंगली भालू झाड़ी से निकलकर जरगा टोली गुनिया के रास्ते बस व जंगल की ओर भाग निकला। घाघरा गुमला से संजय मिश्रा की रिपोर्ट।